नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। देश में एक बार फिर से कोविड-19 के मामले डराने लगे हैं। यही कारण है कि देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण के तहत 15 से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए टीकाकरण की मंजूरी दी थी, जिसकी प्रक्रिया 4 जनवरी से ही शुरू हो गई है। हालांकि इन सबके बीच कई ऐसी जानकारी निकल करके सामने आई है जिसमें बच्चों को कई दवाइयों का सेवन करने की सलाह दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार भारत बायोटेक ने जानकारी देते हुए साफ कहा है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का डोज दिए जाने के बाद किसी भी दर्द निवारक या पैरासिटामोल दवा को दिए जाने की सिफारिश नहीं की जाती है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि पैरासिटामोल या फिर अन्य निवारक दवाओं को लेने की सलाह कई सेंटरों पर दिए गए हैं, जिसके बाद ही भारत बायोटेक ने यह अधिसूचना जारी की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत बायोटेक का यह बयान उस समय आया जब उसे फीडबैक मिला कि कुछ टीकाकरण केंद्र बच्चों के लिए कोवैक्सीन के साथ 3 पैरासिटामोल 500 mg टैबलेट लेने की सिफारिश कर रहे हैं। इन्हीं सब जानकारी के हाथ लगने के बाद कंपनी ने साफ करते हुए कहा है कि इस तरह के कदम उठाए जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसको लेकर भारत बायोटेक की तरफ से एक ट्वीट भी जारी किया गया है। भारत बायोटेक ने एक ट्वीट में कहा है कि कोवैक्सीन का टीका लगने के बाद किसी भी पैरासिटामोल या दर्द निवारक की सिफारिश नहीं की जाती है। भारत बायोटेक का यह भी कहना है कि कुछ अन्य कोविड-19 वैक्सीन लगाए जाने पर बुखार की शिकायत होने पर पैरासिटामोल दिए जाने की बात कही गई है। वहीं कोवैक्सीन के डोज के बाद किसी तरह के पैरासिटामोल या दर्द निवारक को रिकमेंड नहीं किया गया है। कंपनी का कहना है कि 30,000 लोगों पर किए गए उनके क्लिनिकल टेस्ट में लगभग 10-20% पर ही साइड इफेक्ट देखने को मिला। इनमें से अधिकतर काफी हल्के सिम्टम दिखाई दिए जो 1-2 दिन में ठीक हुए हो, जिन्हें अब किसी तरह की दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतना ही नहीं, कंपनी का ये भी कहना है कि अगर कोवैक्सीन के डोज लेने के बाद तबीयत ज्यादा खराब होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेकर ही दवा खानी चाहिए। बता दें कि पिछले महीने ही भारत के औषधि महानियंत्रण में कुछ शर्तों के साथ 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के टीकाकरण की अनुमति दी थी। हालांकि टीकाकरण की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसी बीच ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है जिसमें बच्चों को पैरासिटामोल या फिर अन्य दवाई लिए जाने की सलाह सेंटरों की तरफ से दी गई है, जिसके बाद ही भारत बायोटेक ने इस पर चिंता जताई है। साथ ही सभी लोगों से अपील की है कि किसी भी परिस्थिति में बगैर डॉक्टर के परामर्श के किसी भी दवाई को युवाओं को ना दे। ज्ञात हो देश भर में कोविड-19 के बढ़ रहे संक्रमण को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण की रफ्तार को तेजी से पूरा किया जा रहा है। हालांकि बूस्टर डोज देने की तैयारी भी अब हो रही है, जिसके तहत 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मी, 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति समेत अन्य लोगों को बूस्टर डोज लगाए जाने की तैयारी में है, जिससे भारत में आए तीसरी लहर से देशवासी निकल सके। इसलिए हमारी भी आपसे यही सलाह है कि अगर आपने अपने 15 से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण करवाया है तो उन्हें बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवाई ना खिलाए। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।